अरे जीजी आपका घर है, जब चाहो जब आ जाओ। अच्छा जीजी, अच्छा जीजी, राम राम। किसका फोन था मम्मी? अरे तेरी बुआ का फोन था। एक ये और आ रही है बहन जी। चलो अच्छा है, बुआ जी भी 2-3 साल बाद आएंगी। क्या अच्छा, खर्चे पे खर्चा आ रहा है। उधर तो वो रेनू आ रही है गर्मी की छुट्टियों में, इधर से ये। चल उसको और फोन मिलाऊं। हेलो। हाँ सुमित्रा। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सुन, हाँ वो आ रही है बहन जी। क्या? हाँ इन्हें भी बुढ़ापे में चैन नहीं है, अपने घर में चैन से बैठा नहीं जाता। तैयारी कर लियो। अरे अपना और बच्चों का काम तो होता नहीं है, उनका कहाँ से होगा? अब देख बहन, क्या करूँ मैं? अरे दीदी अपने खर्चे तो पूरे होते नहीं है, इनका कहाँ से करेंगे? हाँ वो तो है। अच्छा सुन, हाँ सुबह के खाने का तू देख लियो, शाम का मैं देख लूंगी। अब बनाना तो पड़ेगा ही, इनका खाना भी अलग से बनाओ, उसमें भी नखरे। और उन दोनों से भी कह दियो, उनका तो होना ना होना बराबर है। उनसे आप ही कह देना, मैं तो बोलती नहीं हूँ, दिखेंगी तो अपने आप पता चल जाएगा। उनको जल्दी वापस भेज देना, कभी यहीं जम के आके बैठ जाए। अब आपको तो पता है मेरी तबीयत तो ठीक रहती नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा नमस्ते दीदी। नमस्ते। अच्छा सुन, बाजार चली जाइयो और 4-5 साड़ी ले आइयो, 2-4 सूट ले आइयो। कुछ जेवर रखे हैं वो देखूंगी मैं, वो भी। किसके लिए? बुआ जी के लिए? अरे तेरी बुआ के लिए नहीं, वो तेरी नंद के लिए बोल रही हूँ। देख बुरा तो मान मत भाई, अब मैं हो गई हूँ बूढ़ी, अब मेरे पास रखा है कुछ सामान, मैं सोच रही हूँ अभी उसको दे दूँ। कल को पता नहीं अब भगवान ने मेरी कितनी सांस लिख रखी है। उसे उसका थोड़ा सा सामान है, उसको दे दा के निपटाऊँ। अब कल को पता नहीं, तुम बच्चों का ऐसा ही है, कल को बुलाए ना बुलाए तू उसको, पता नहीं तू उसका आदर सत्कार करेगी भी या नहीं। सही कह रहे हो मम्मी, अब मैं आगे अपनी बेटी का करूँगी या रेनू दीदी का करूँगी। आपको जितना देना है दे दो, क्या पता दीदी को हम उतना सामान ना दे पाए जितना आप देते हो, उतना आदर सत्कार ना कर पाए जितना आप करते हो। अब ये सब देख के मैं भी तो आपसे सीख रही हूँ। क्या सीख रही है मुझसे? अब कल को मेरी बेटी की भी शादी होगी, मैं भी तो वही करूँगी जो आप बुआ जी के साथ कर रहे हो। क्या मतलब? अब आप ही लगा लो, पापा जी और 4 भाई हैं और उनकी एक इकलौती बहन यानी कि हमारी बुआ जी। अब जब वो आती हैं तो आप चारों दोनों जिठानी में आपस में खुसर पुसर होने लग जाती है। और आप चारों दौरानी जेठानी उनके आने पर हिसाब किताब लगाना चालू कर देते हो। हे भगवान कितना खर्चा आ गया, हे भगवान कौन करेगा। एक टाइम का खाना खिलाने में आप लोगों को सोचना पड़ता है, एक टाइम का खाना आप मन से नहीं खिला सकते हो उनको। आप चारों दौरानी जेठानी मिलकर भी अपनी एक इकलौती नंद को उतना नहीं दे पाते जितना आप अकेले अपनी बेटी को एक बार के आने में दे देते हो। और मम्मी बुरा मत मानना, हम आपके बच्चे हैं, हम शायद वो ना करें जो आप हमसे कह रहे हो। हाँ वो जरूर करेंगे जो आप करती हो।